सीरियस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के धरना स्थल पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया धरना, जिसमें अध्यक्ष एसपी तिवारी जी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। बताइए, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं आप शिक्षकों को लेकर, तो क्या इस बार किस जब शाह रैली का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पुरानी पेंशन मांग के लिए, क्या उद्देश्य इस रैली संघर्ष संचालन समिति के तहत पूरे प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी शिक्षा मित्र सभी लोग गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से भारी संख्या में जिसे आप लोग देख सकते हैं जो सभी सबकी समस्या अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे आज का जो मुख्य विषय का हम धन्यवाद देते हैं पुरानी पेंशन बहाल, साथ ही साथ जो शिक्षा का समस्या है जो वर्षों से चल रहा है जो समाज हो चुके थे उस समस्या को लेकर के हम उसके नेतृत्व करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई को भी इसमें शामिल किया है। सभी जितने संविदा कर्मी हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं, जो भी आंगनबाड़ी के हैं या जो भी संविदा कर्मी हैं जिसकी लड़ाई का हम स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, लड़ाई में भाग देने के लिए आज इस रैली में इस विशाल कार्यक्रम में हमारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और आशा ने पूरा विश्वास है आज जिस जो कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं उनके नेतृत्व में सभी लोग आगे निकलता हुआ निर्णय लेना होगा क्या आगे उसको मार्गदर्शन करते हैं, जो मार्गदर्शन हमारे माननीय तिवारी जी माननीय अभिमन्यु तिवारी जी हमारे जो निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम भागीदार हैं और एक मजबूत संगठन के नाते निर्णय में हमको भी हमसे भी जो भी सलाह लिया जाएगा जो समय होगा उस समय उस तरह का सरकार जिस तरह से समस्याएं संविदा कर्मियों का है शिक्षा मित्रों का है या रोजगार का जो भी प्रदर्शन है उसको 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 पूरा करना चाहिए, क्योंकि बिना पूरा किए इनके जो मन में अविश्वास पैदा हो रहा है उसको पूरा करना चाहिए। जो शिक्षक बन चुका था जो उससे वंचित हो गया है या जो पेंशन पाते थे आज पेंशन से वंचित हो गए हैं या तमाम समुदाय कर्मी के साथ उससे बन रहा है उस सभी की लड़ाई एक सामूहिक रूप से आज यहाँ पे लड़ा जा रहा है और इसका निश्चित तौर पर सरकार को इस भारी हुजूम को देखते हुए निश्चित तौर पर आज ही निर्णय लेना चाहिए। ये सब चुनाव से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को शिक्षक कर्मचारी शिक्षा मित्र आपकी मांगे पूरी इन समस्याओं को लेकर के मांग पूरी कराने पुरानी पेंशन है या जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को पूरा कराने के लिए आगे है, इससे हम लोगों को उस राज्य से कोई मतलब नहीं है। सरकार लड़ाई लेने के लिए वाद्य होंगे सरकार करोगी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं पुराने और वार्ता करें, अगर वार्ता नहीं करेंगे तो इसका बढ़ा जाएगा आपको कर्मचारियों के बीच अनुरोध करते हैं उनसे। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।